यू इतनी भीड़ अर्जब की कपूर साहब आड़े है नहीं रोदल कम डॉक्टर कपूर जीतेगा जी। मैं तो ये कहता हूँ 80% अकेला कपूर सिंह और 20% बाकी सब होंगे। पहली बार कब मतलब आपका विरोध दल का पार्टी को या और किसी को नहीं देख रहा, कपूर को देख रहा है। कपूर को देख रहा जी सर। 30,000 से जीतता का तो उड्डा का गढ़ था हरियाणा, तो उड्डा के अलावा तो कोई और नहीं। इतना झूठा आदमी, इतना झूठा आदमी तो देश में भी कोई ना पावे। साहब ने खट्टर साहब ने सब सिखा देंगे अग्रोदल का क्या है। मैं सवाल गाँव में 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जाम लग जाए अकेले उसमें। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम भाई आप हाँ गुवाणा बरोदा हल्के में मानो बरोदा हल्के में हाँ कपूर नरवाल जी का कार्यालय है। मैं नुए देखूँ था किस किस के ऑफिस में कितने मानस बैठे हैं। कैमरा नुने घुमाइए भाई। अरे देख दाएं बाएं दिखा, इस साइड दिखाइयो तेरे का नहीं। अरे भाई उस साइड दिखा दे। लगभग आधा किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी है अड़े। अरे कपूर जी और कपूर जी की टीम हल्के में जारी है, उसके बावजूद अड़े इतने भीड़ है। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम 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 राम। और ठीक ठाक जी। बढ़िया जी। यू इतनी भीड़ और जबकि कपूर साहब आ रहे हैं नहीं, तो यू बरोदा हल्का में क्यों नाला है। बरोदा हल्का में डॉक्टर कपूर जीतेगा जी। सारा जो बरोदा हल्का का उठाया कैंडिडेट है, ये किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। बरोदा हल्का ने अपने मान सम्मान की लड़ाई मान लिया डॉक्टर कपूर को भाई। हल्का का कैंडिडेट है हल्का, इसको इसकी मानवता को देखते हुए तीनों कैंडिडेटों में अच्छा आदमी है। इसके पिताजी भी अच्छे डॉक्टर थे, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और इस डॉक्टर कपूर की बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा। ये लोगों के बीच जाते हैं, दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं। पिछले 30 सालों से ये हल्का में घर घर हर आदमी को जानते हैं। इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं, गली इनको किसी की बताने की जरूरत नहीं है किसका घर है, ये कौन आदमी है। हल्के के हर आदमी को जानते हैं। इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और हल्का सारा। मैं तो ये कहता हूँ 80% अकेला कपूर सिंह और 20% बाकी सब होंगे। पीछे एक व्यक्ति खड़े हैं, शायद उनके खड़े होने में समस्या है। राम राम जी। राम राम जी। पहली बार कब मतलब आपका बरोदा हल्का पार्टी को या और किसी को नहीं देख रहा, कपूर को देख रहा है। कपूर को देख रहा है जी। हमारा में कपूर पहले 2 बार इलेक्शन लड़ा था, हम जब उसको पछतावा मान रहे हैं वही भाई नहीं बन पाया। प्रदीप के एक तरफा माहौल है कपूर का। भाई साहब 30,000 से जीतता का, 30,000 से जिंदाबाद। तो भाई 30,000 की बात चल रही है अड़े। तब राम राम। राम राम भाई। तब यू कह उड्डा का गढ़ था हरियाणा, तो उड्डा के अलावा तो कोई और नहीं। इतना झूठा आदमी, इतना झूठा आदमी तो देश में भी कोई ना पावे। हाँ मारी कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री किस हवा किस है। हमने करीबान बना गया, करीबान है उस घमंड ने कब्जा ले लिया। तोड़ांगे घमंड, तोड़ांगे घमंड, तोड़ांगे। हल्का उठेगा घमंड तोड़ देगा। बरोदा हल्का क्या कपूर है, एक तरफी जमाने जबत कर देगा कोई भी मुकाबले में। दिखाओगे आलू की कर तोड़ांगे आलू की कर चढ़ाई काटेंगे। मारी जात का रोआ है भाई, मारी जात का रोआ है। यू एक सिर्फ बरोदा हल्के का जात, यहाँ बरोदा हल्का जात है हमारी। इको उड़ा साहब ने खट्टर साहब ने सब सिखा देंगे बरोदा हल्का क्या है। कपूर चार हल्का दौरा करे हमने, जितना प्यार प्रेम का कपूर मिल रहा है। बालू ने दौरा कर लिया, प्रदीप ने कर लिया, इतना हमने कितना भी देखे। अरे पहली बार रू देखे भाई, छत्ती बिरादरी इस आदमी के हकम आई है। आई है भाई। भी चाहिए। मैं सवाल गांव में 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जाम लग जाए अकेले उसमें। खुल का वोट भाई, खुल का बरोदा हल्का था भाई, खुल का वोट भाई कपूर नरवाल की भाई। जो आपने कहा ना जयदीप के गढ़ गढ़ जनता है बढ़ाती, जनता है तोड़ती है। इसको उड्डा को जो गढ़ बना था, इस हल्का बरोदा ने बना था, ये पब्लिक खड़ी ने बना था। और यही सबक सिखाएगी ये तो एक हल्के की जनता की एक आवाज है। अकब की बार कपूर नरवाल है, कपूर नरवाल में इतनी खास बात के भाई छत्ती बिरादरी भी आएगी। उड्डा का गढ़ भी टूटा है, गढ़ भी लाओ। 70 सालों का सेवा करी कपूर नरवाल यू है। और ये जिना तेल का डे लोग तेल का जीप का लिया था यू। मैं जीप ड्राइवर हूँ और ये जीप वाले चोरी लाग रहे हैं।
भाई डॉक्टर साहब ने हर छत्तीसगढ़ में चाहे किसी मौत हो चाहे किमें भी हो खड़े रहो भाई हम डॉक्टर के साथ हैं बिल्कुल किताया है मेरे तुम्हारी खुशी में कमी किताया है। अच्छा आप सब ने पिछली गेड़े भालू दी वोट दी भाई बिल्कुल भालू की पिछले गेड़े तो भाई मान के और किसने दी क्या भाई पिछले गेड़े किसने वोट दी थी भालू ने दी थी ऐसा है बरोदाल का कई साल से कहने दे रहा था और जब आपका कपूर नहीं बना अलका नहीं बना तो यू बह हो जाएगा गहना छुट जा रहा की नहीं छुटार जी इबका डॉक्टर साहब ही गहना न छुटवा होगा जबकि डॉक्टर नहीं बनया अलकन गलती कर दी तो बहना बह हो जाएगा हम ही बह नहीं होने देंगे गहने न डॉक्टर कपूर छुटवा होगा यह बात जदी पे भाई नु कहना कि मतलब मनो कर दिया अलके विधायक बना दिया यूं 25 करोड़ की ग्रांट आए हैं अपने गांव में खड़े बस क्या यू गांव मजा देखो ये गांव में क्या हाल है उठे लोग आई लोग जाने दुबर हो रहा है खड़े हैं पानी भर रहा है 25 करोड़ का ग्रांट खा गया हल्के की अपने गांव का भी काम नहीं कर सकता यूँ है अनुक अब गरीब के सारा बैठा हूँ गरीब की था गरीब तो जनता है जो बनावे घर तोड़ा घर बनावे है गरीब तो जनता है जो गरीब नहीं है तो खाया लोग ने जब तक गए वाई बात खाओ आलू की सब्जी और आलू कर ला दो भाई भाई जी बात इसी है जी 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 शर्मा जी नमस्ते नमस्ते आप उमेश शर्मा के बहुत इंटरव्यू हो किसके उमेश शर्मा जी आगे मैं आपको देखता हूँ एक इंटरव्यू करा है उसे मैं मेरे कर इंटरव्यू देखू बहुत बढ़िया लागू अपने इतना बढ़िया मैं उसका चाचा लागू हूँ ठीक है ना मैं सिकंदर परमा जी इसी का सगा चाचा हूँ मेरे परिवार में है आपने इतने इंटरव्यू ले लिया उससे आपने एक बात पूछी नहीं हुआ कितने टिट दाज बैठे नहीं हुआ कि मैं कमा खा ले तेरे तो बीजेपी ने कमान करा दिया कांग्रेस ने तेरे उठाने पहले हरा दिया था AICC का मेंबर बना दिया था अरे भगोड़े कितनी बात जगह नहीं वो तो अपने काम में इलेक्शन दिखा दिया मेंबर बना देता अपनी पूछ कटा लूँ उसका चाचा बोल मेरी फौजी मेरा नाम कुछ बोलो दे भैया तो यह बात है अज्ञा जनता ललकार है अब की बार का पुनर्वाल है जनता ललकार है या पुनर्वाल है विरोधा में भीड़ ना किके दिखा दिया कपूर सुंदरवाल को विधायक बना दिया अब क्या सेब खाएंगे कपूर सुंदरवाल को विधायक बनाएंगे भाई ये वो समर्थक हैं पिछली बार जब बालू के भी समर्थन में थे उड़ा के भी समर्थन में थे लेकिन इब की बार ये कपूर के समर्थन में है कपूर के साथ है कपूर के साथ कपूर के साथ है कपूर के साथ है भाई अरे यार देखो कितने लोग बैठे हैं कितनी भीड़ है और पूरी जनता यहाँ पे देखियो भाई अड़े बैठे हैं यारे बैठे हैं राम राम भाई ठीक ठाक भाई ठीक ठाक है अच्छा ये माहौल इनकी बार केला का डॉक्टर कपूर का माहौल है भाई एक तरफा गति एक तरफा गति एक तरफा भाई और जो उड्डा का गढ़ था अरे बालू अरे हो लिया उड्डा पुड्डा गढ़ गढ़ खत्म हो लिया खड़ा का उड्डा रह रहा है कछना उड्डा पुड्डा तो भाई का चुनाव भाई जी अच्छा ये अरे विरोध की जनता ने इसे चुन रहा क्या है अरे विरोध की जनता एक तरफा ले जाएगी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब जैसा उम्मीदवार पहले ना कभी था ना होगा सारी जनता की परेशानियां समझने वाला उम्मीदवार है ये जन जनता वाक्य है ये इतने सज्जन आदमी पहले नहीं मिले थे अब तक हल्कन है अब कई बार एक तरफा चुनाव में ले जाएगी जनता इसको राम राम जी और जी ठीक बोल भाई बोल लगा बोल बोल तो भाई यहाँ पे यो माहौल आप देखने लग रहे हो अरे सारे समर्थन में तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है एक भाई है जो बोलेगा भाई साहब राम 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 जी के माहौल और सिर्फ कपूर नरवाल के लोगों के सुख दुख में जाते हैं एक कमी नहीं जो कमी बताई जाए बहुत ही अच्छे आदमी हैं सारा हल्का अपना प्यार दे रहा है और ये आवेगा उड्डा भी आवेगा उसका बाबू बेटा दोनों आवेंगे आज आपने बता दूँ आगे नू कहेंगे ये तो BJP ने पैसे दे रखे हैं प्रोपगंडा तैयार है उनका लेकिन हल्के ने उनकी कोई नहीं सुननी वो निकल लानी है हल्के ने उनका घमंड तोड़ना है डॉक्टर कपूर नरवाल की जय
भाई डॉक्टर के पूरा कहते जतवा हटेंगे बालू कहाँ से काटेंगे रे। गलत नहीं बोलना भाई। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो हाँ मेरे भाई के भाई साहब कपूर नरवाल एक तरफा विजयी है यहाँ से और भारी बहुमत से विजयी बनाओगे इनको और बहुत से कर्मठ और ईमानदार आदमी है। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।